इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए SSP योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल ये है कि हम लोगों को सोसाइटी में अवेयरनेस की किस चीज़ की जरूरत है? अगर हम हेल्पर अपने घर पर रखते हैं या रेंट पर अपने घर पर किसी को मकान देते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही हमारे घरों को जो है हमारे बच्चे हों या हमारे घर के बड़े होने जो है शिकार बनाते हैं। मेरा ये सवाल आपसे सर। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक अवेयरनेस की बात करेंगे आप, आज के ज़माने में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, हर एक बंदा जो है अवेयर है अपने हकूक़ के बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में, अपने सोसाइटी में रोल के बारे में। जो तलाक मैं आपसे आपके माध्यम से ये अपील भी करूँगा, क्योंकि जो टेनेंट्स हैं या जो हेल्पर्स हैं या जो आपके घर में आते हैं फ्रिक्वेंटली आना जाना है, जो आपके घर के बाहर के लोग हैं, उनका वेरिफिकेशन थाना के थ्रू ज़रूर होना चाहिए। टेनेंट्स वेरिफिकेशन हम लोग करवाते हैं और जिन लोगों ने नहीं की होती तो उनके खिलाफ़ हम केस भी रजिस्टर करते हैं कई टाइम में। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि ये चीज़ करना अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सर आपने कहा कि पिछले 6-7 सालों से वो उनके घर पे जाता था, उनकी मदद करता था, तो क्या आपको लगता है कि ये उसने प्री प्लान करके किए या कोई वजह रही या कोई नोकझोंक का भी इतना बड़ा कारण तो नहीं होगा कि दो लोगों की एक ही दिन में हत्या करना? देखिए जिस हिसाब से वो 7-8 साल से उनका काम कर रहा है और ये अभी बड़ा जल्दबाजी होगी कि हम इस नतीजे पे पहुँचे कि उसने कोई प्री प्लान किया है, लेकिन अभी तक जो जानकारी हुई है वो मैंने आप लोगों को साझा कर दी है कि जो उसने अभी तक हमें बताया कि कुछ पैसे उनसे मांगे थे उसने, तो उन पैसों को लेके कुछ कहा सुनी हुई है, उसके बाद कहता कि मैंने इनको जान से मार दिया। वजह बताइए। हाँ यही पैसे को लेकर, हाँ पैसे के पीछे। तो फिर ये भी सुनने में है कि एक नहीं बल्कि 2-3 लोग हैं, तो अभी तक आपको पता चला कि खाली वो अकेला ही उसके साथ कोई और भी है? क्योंकि कहा जा रहा था कि उस दिन जब गैस ऑन थी गैस के ऊपर 3 कप चाय के भी वहाँ मिले हैं। वो 3 कप जो है वो 2 जो घर वाले हैं, जो घर वाले थे प्लस तीसरा ये था। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें अभी तक यही पता चला है कि ये एक ही आदमी था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो अभी हमें इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस है, तो जैसे जैसे और चीज़ें पता चलेंगी तो उसको। तो फिर व्हीकल कौन सा यूज़ किया गया था? क्योंकि लोगों का और मीडिया में भी आपने सुना है कि हमने भी अपनी खुद भी जब रिपोर्ट से यही कहा है कि ऑटो वाला था, हमें ये पूछना है कि ऑटो था ब्लैक ऑटो या ई रिक्शा, कौन सा ऑटो उसने यूज़ किया था, या वो अपना ऑटो था या किसी का लेकर आया था? देखिए फिलहाल ये ऑटो ड्राइवर है खुद से, इसके पास ई रिक्शा है, लेकिन ये जिस दिन वारदात की है ये अपना ऑटो लेके नहीं आया, ये किसी के ऑटो में आया, घर के थोड़ी दूर 200 कदम पे ये उतरा है, उसके बाद ये घर के अंदर गया है, 1.5-2 घंटा जो है वारदात करने के बाद फिर से वापस आया, दूसरे ऑटो में चढ़ के ये टुवर्ड्स बस स्टैंड गया। तो सर मेरा आखिरी सवाल कि आपने कहा कि ये 3 तारीख से जो अपने घर से मिसिंग था, तो कहीं ये नहीं लगता है कि इसने पहले से प्लान किया होगा कि मैं पहले से अपने घर से जो है गायब रहूँ, कहीं ना कहीं प्लीज़ को शक मेरे पे भी ना हो, तो फिर ये घर अचानक पहुँचा? ये हो सकता है, इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस एस्पेक्ट को आप देख रहे हैं। तो आपने कहा कि लोगों को अपने घरों में CCTV लगाना चाहिए, मगर सर आज के टाइम पे हर एक इंसान ने अपने घरों में CCTV कैमरा जो है लगाए हुए, उसके बाद भी ऐसी वारदात हो जाती है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि वारदात जो है बहुत बड़ी सोसाइटी है हमारी, वारदात जो है कई बार अपने ही घर में हो जाती है, है ना? हमने देखा होगा कि कई बार बेटे ने बाप को या इस चाचा भतीजा अपने घर के कोई वारदात कर देते हैं। तो वारदात जो है मुझे लगता है कि वारदात जब होती है तो वो एक अलग इशू है, लेकिन ये अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है एक ये अलग इशू है। ये भी आप देखें कि ये जो है एक विश्वास पात्र ने इनका मर्डर किया। तो सर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा डर जो है बैठ गया, उनके मोहल्ले की बात करें जम्मू कश्मीर में इस टाइम जो भी कोई ये खबर सुन रहा है तो बहुत ज़्यादा डर है जो बैठ गया, क्योंकि हमने भी अपने घरों में हाउसकीपर हाउस क्लीनिंग वगैरह लोग तो रखे हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये तो बता चुका हूँ कि आपको वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए, उससे क्या होगा कि उसके आदमी के उसमें डर रहेगा और कभी इस तरह की अगर वारदात होती है तो उसको ट्रैक करने में मदद मिलती है। दूसरा मैं जम्मू वासियों को ये आश्वासन दिलवाना चाहता हूँ कि डरने की बात नहीं, हम लोग जो है दिन रात आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे BSF आर्मी के जवान हो, या जितना भी हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस और फोर्सेस का अमला है,
हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपकी सुरक्षा व्यवस्था के। तो फिर आज से पहले कोई इस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ रहा हो या नशे के रिलेटेड कुछ ऐसा रहा हो कि इस चीफ के पीछे जो ये इंजाम किया है? देखिए अभी तक ये चीज़ें अभी सामने। थैंक यू सर। तो आपको बता दूं कि 72 घंटे के अंदर है जो ये गुत्थी जो है फूजी है, डबल मर्डर केस की बात करें तो 3 दिन पहले जो है हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको तस्वीरें हैं जो लाइव तस्वीरें हैं जो तालाब तुलू के मनोरमा इलाके से हमने आपको बताई थी, जहाँ हस्बैंड वाइफ है उनका जो मर्डर किया। तो आपको बता दें कि मर्डर करने वाला कोई नहीं बल्कि उनका अपना ही एक व्यक्ति था जो पिछले 6-7 सालों से उनका एक हेल्पर था। आपको बता दें वो एक ऑटो ड्राइवर था जो उनके छोटे मोटे घर के जो है काम करता था। और साथ ही साथ बात करें फंडे चंदेल जी की, जो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, उनकी भी हेल्प था आने जाने में, कभी ऑटो में आना जाना, कभी घर का छोटा मोटा सामान लाना। वो तो ये वही ऑटो ड्राइवर है जिसने दोनों हस्बैंड वाइफ की है जो जान ली। आपको बता दें फिलहाल अभी इतनी ही जानकारी हमें जो मिली हमने आपके समक्ष रखी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में कोई रेंट पे मकान किसी को देते हैं या कोई हेल्पर भी आ सकते हैं तो उसकी जानकारी जो है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में है जो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज जो टाइम है आपको पता है कि हम किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। तो अगर आप रेंट पर भी किसी को रखते हैं या हेल्पर भी अपने घर पर रखते हैं उसकी जानकारी है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें 72 घंटे के अंदर गुत्थी जो है फूजी, फिलहाल अभी यही पता चला है कि ऑटो रिक्शा जो है ये अपना व्हीकल जो है वहाँ पर लेकर आया था, वो भी अपना नहीं किसी का ऑटो रिक्शा लेकर आया था। और अभी तक जो वेरिफिकेशन में पता चला है कि ये एक ही व्यक्ति था जो वहाँ फिलहाल अभी अंदर आया था। फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो रहेगा और साथ ही साथ वेरिफिकेशन है वो भी चल रही है। तो और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडियन टर्म्यू न्यूज़ के साथ। मैं ही मानी, धन्यवाद। जय जय भारत।